गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर अनवर शाहब असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस करीब सिटी कॉलेज जमशेदपुर टुडे आई एम प्रेजेंटिंग ए वीडियो लेक्चर ऑन स्कोप ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ आज आपके सामने राजनीतिक चिंतन के राजनीतिक विचारधाराओं के आ, जो क्षेत्र है उसके बारे में एक वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ इसको ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करें कि राजनीतिक विचारधारा के क्षेत्र में वे बातें आती हैं जिनका अध्ययन विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं में किया जाता है प्राचीन काल में भी राजनीतिक विचारधाराओं का क्षेत्र व्यापक था और वर्तमान समय में भी है क्योंकि जितनी भी गतिविधि हो रही है उसके आधार में कहीं ना कहीं कोई विचारधारा निश्चित रूप से है तो यहाँ हमने व्यक्ति राज्य और सरकार के बीच में जो आपसी संबंध है दोनों तो सब एक दूसरे पर क्या अधिकार है और उससे संबंधित कौन कौन सी विचारधारा हैं उनको जानने का प्रयास किया है सबसे पहले ये देखें कि जो पूरे हमारे जो अध्ययन का जो केंद्र बिंदु है उसमें व्यक्ति कैसे है जितनी विचारधाराएँ हैं उसमें व्यक्ति को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है उदारवाद में व्यक्तिवाद जो है व्यक्ति को कैसे स्वतंत्रता देने की मांग करता है वो व्यक्ति को विचारों के अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता की मांग करता है उस तरह से जो एनआरकिजम है जो अराजकतावाद है वो मनुष्य के सात्विक गुणों में इतना विश्वास करता है कि वह मानव जीवन पर नियंत्रण के लिए राज्य जैसी किसी भी संस्था की आवश्यकता का अनुभव नहीं करता है फास्तम तो अनाजम जो है वह भी कहती है कि हमको तर्क बुद्धि में कोई उससे मतलब नहीं है हमको सिर्फ अपील ऐसा करती है वो कि सब लोगों के भावनात्मक अपील रहती है उसकी कि वो कहती है कि सभी लोगों को आपको मेरी बातें माननी होगी या सभी लोगों को मेरी बातों पर चलना होगा उसकी जो अपील है बहुत ही भावना के आधार पर अपील करती है लोगों से मार्क्सिज्म कहती है कि जिस वर्ग का नियंत्रण उत्पादन के साधनों पर रहेगा राजनीतिक सत्ता उसी के पास रहेगी यूटेलिटेरिज्म या उपयोगितावाद कहती है कि व्यक्ति जो है राज्य से व्यक्ति का बड़ा गहरा संबंध है और राज्य व्यक्ति के लिए है और राज्य का जो उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि ग्रेटेस्ट गुड को सबसे ज़्यादा लोगों को सबसे ज़्यादा सुख कैसे पहुँचाए यहाँ फिर देखिए ओरिजिन ऑफ स्टेट के में भी बहुत सारे विचारधाराएँ हैं जिनके बारे में मैंने बताया आपको कि कैसे वो राज्य का जो उदय हुआ उससे संबंधित जो विभिन्न विचार हैं जिसमें डिवाइन थ्योरी है फोर्स थ्योरी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है और एवोल्यूशनरी थ्योरी है उस समय कैसे बात की गई है डिवाइन थ्योरी में धर्म पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है फोर्स थ्योरी में राज्य का आधार शक्ति को बताया गया है और जो आज भी चल रहा है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में ये बताया गया कि कैसे शासक और शासित में क्या संबंध है शासक कैसे इस बात का भरोसा देता है कि वो अच्छा प्रशासन देगा सुरक्षा प्रदान करेगा लोगों की रक्षा करेगा एक व्यवस्था बनाएगा और कैसे उसके बदले में लोग भी इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि वो उसकी बातों को मानेंगे उसके सत्ता का आदर करेंगे और उसके नियंत्रण में रहेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की अच्छी बात यह है कि वो कॉन्सेंट या पॉपुलर सपोर्ट पर आधारित है जिसमें पब्लिक ओपिनियन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है रिवोल्यूशनरी थ्योरी जो है वो राज्य के उ उत्पत्ति का सबसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है यहाँ देखिए इस स्लाइड में मैंने फॉर्म ऑफ स्टेट के बारे में बातचीत किया है कि राज्य कैसे अलग अलग उसका स्वरूप क्या क्या हो सकता है राज्य का तो राज्य को कुछ लोगों ने नैतिक संस्था के रूप में माना प्लेटो अरिस्टोटल ने माना कि राज्य एक नैतिक संस्था है और राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के नैतिक विकास है राज्य के उद्देश्य में और व्यक्ति के उद्देश्य में कोई अंतर नहीं है राज्य के अंदर रहकर ही व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास प्राप्त कर सकता है राज्य को कुछ लोगों ने कानूनी व्यक्ति ही माना है कि राज्य जो है वही कानून का पूरा स्रोत है सारे कानून का स्रोत राज्य है वही न्याय का भी स्रोत है इसलिए उसके अधिकार को या उसके सत्ता को किसी बारे में उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए उसे सवाल जवाब नहीं करना चाहिए फिर राज्य को हर्बर्ट स्पेंसर ने एक जीवित व्यक्ति के रूप में भी देखा है एक शरीर के रूप में भी देखा है जहाँ उसने राज्य को व्यक्ति के शरीर के साथ तुलना किया जैसे शरीर में अलग अलग शरीर आपस में जुड़े हुए हैं उसमें आत्मनिर्भरता है उसने भी कहा कि राज्य में अलग अलग जो राज्य क्या है उसमें आपस में निर्भरता है और कैसे सब मिलजुल के काम करते हैं कैसे उसमें के मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है और कैसे फिर उसका विनाश हो जाता है राज्य को मशीन या कृत्रिम संस्था के रूप में हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट जो लोगों ने कैसे देखा है और कैसे ये माना कि राज्य का उदय एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए होता है समझौते के जरिए होता है इससे राज्य को बनाने वाला दरअसल व्यक्ति है राज्य कोई ईश्वरकृत संस्था नहीं है फिर राज्य को एक वर्ग के रूप में मार्क्स ने या और दूसरे जो कम्युनिस्ट हैं उन लोगों ने देखा है जो लोगों ने यह माना कि राज्य के अंदर दो अपोजिंग विपरीत वर्ग होते हैं जो आपस में टकराव की स्थिति में रहते हैं और सत्ता पर उसी का नियंत्रण होगा जिसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होगा इस स्लाइड में मैंने फंक्शन ऑफ स्टेट के बारे में बातचीत किया है कि कैसे अलग अलग कार्यक्षेत्र राज्य का कैसे अलग अलग विचारधाराओं में बताया गया है इंडिविजुअलिज्म जो कहता है कि राज्य को कम से कम काम करना चाहिए वो राज्य सबसे अच्छा है जो कम से कम काम करे क्योंकि राज्य जब कम से कम काम करेगा तो राज्य कम से कम नियम बनाएगा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता मिलेगी यहीं पर इंडिविजुअल ने यह भी माना कि आर्थिक क्षेत्र में राज्य को जरा भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और उसने फ्री कंपटीशन या मुक्त प्रतिस्पर्धा का बड़ा समर्थन किया और ये माना कि जो समाज जो होगा वो बाजार समाज होगा लिबरल डेमोक्रेट्स जो है वो ये मानते हैं कि राज्य का बड़ा कर्तव्य है वो उसको ज़रूरी है कि वो मनुष्य के जीवन में आने वाली तमाम बाधाओं को दूर करे और तमाम परेशानियों को दूर करे और उसके मोरल डेवलपमेंट के लिए काम करे और राज्य को का ऐसे कानून बनाना चाहिए जिससे लोगों के को न्याय मिले लोगों को अधिकार मिले और जो वीकर सेक्शन है उसका इंटरेस्ट सेफ हो सके जो वर्कर हैं जो पुअर हैं जो गरीब हैं जो मजदूर हैं उनके अधिकारों की रक्षा हो सके और ये सब आगे चल करके जो वेलफेयर स्टेट की जब थ्योरी आई बी ट्वेंटी सेंचुरी में तो उसमें राज्य के कार्यक्षेत्र को और व्यापक बना दिया फैला दिया गया सबसे ज़्यादा अधिकार दे दिया गया राज्य को कि जीवन से लेकर के मृत्यु तक राज्य हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर सकेगा और सभी प्रकार के काम कर सकेगा उपयोगितावाद जो है यूटिलिटेरिज्म कहता है कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर सिक्योर करना राज्य का काम है यानी राज्य व्यक्ति व्यक्तियों को सबसे ज़्यादा सुख कैसे मुहैया कराया जाएगा यहाँ देखिए हमने व्यक्ति और राज्य के बीच में जो संबंध है सत्ता का जो संबंध है और व्यक्ति का जो अधिकार है उसमें क्या संबंध है लिबरलिज्म और इंडिविजुअलिज्म कहती है कि व्यक्ति जो है वो साध्य है राज्य साधन है जॉन लॉक ने भी कहा कि व्यक्ति जब राज्य बना तो व्यक्ति अपने साथ अपने प्राकृतिक अधिकार लेकर के आया था जीवन का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार और राज्य को इन अधिकारों को लेने का कोई अधिकार नहीं है जेस मिल ने भी माना जॉन स्टॉट मिल ने माना कि मनुष्य अपने शरीर और अपनी आत्मा के ऊपर पूरी तरह से संप्रभु है प्लूरलिज्म और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी यह मानती है कि राज्य जो है उसका जो स्वरूप है वो आ, साधन का है और व्यक्ति साध्य है इसके अतिरिक्त इसके जस्ट विपरीत जो आइडियलिस्ट जो आइडियोलॉजी है आदर्शवादी जो विचारधारा है उसमें यह माना गया है कि राज्य जो है वो साध्य है व्यक्ति साधन है क्योंकि व्यक्ति का जो उद्देश्य है व्यक्ति का जो अपना स्वार्थ है बहुत ही छोटा है राज्य का स्वार्थ बहुत बड़ा है और व्यक्ति और राज्य के स्वार्थ में कोई तालमेल नहीं है व्यक्ति को हमेशा राज्य के अंदर अपने आप को सर झुका कर के रहना चाहिए और राज्य की बातें माननी चाहिए राज्य के विकास में ही व्यक्ति का विकास छुपा हुआ है फासिजम और नातज़म यह भी मानती है कि आपको राज्य के अंदर ही रहना होगा राज्य के बाहर और राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता है आपको राज्य की बातें मान के रहनी होंगी इस आ, आ, स्लाइड में मैंने ये बताया है कि देखिए आइडियोलॉजी जो है के कारण कितने कितने सारे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स में भी आइडियोलॉजी की बात की गई है जैसे लिबर्टी इक्वलिटी सोवरेंटी ये लॉ नेशनलिज्म इंटरनेशनलिज्म या न्याय की जब बात की जाती है अधिकार की बात की जाती है तो इन तमाम चीज़ों में भी कैसे अलग अलग विचारधाराएँ उभर करके सामने आई हैं विचारधाराओं में इन तमाम पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स का आपको वर्णन देखने को मिलेगा जॉन ऑस्टिन ने थ्योरी दिया था मोनिज्म की एकत्ववाद एक की कि कैसे संप्रभुता राज्य का एकाधिकार है और ये केवल राज्य के पास रहनी चाहिए राज्य से अगर उसका संप्रभुता ले ली गई तो उसका विनाश हो जाएगा उसके जस्ट अपोजिट प्लिज्म या बहुलवाद की जो सिद्धांत है उसने कहा कि जो ऑस्टिन जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं क्योंकि समाज का जो स्वरूप है वो स्वूप खुद ही बहुलवादी है इसलिए राज्य की जो सत्ता है वो भी बहुलवादी होनी चाहिए राज्य की सत्ता को राज्य के अंदर जो बहुत सारी संस्थाएं और संप्रदाय जो काम कर रहे हैं उनमें विभाजित कर देना चाहिए फिर यहाँ ये बात भी बताने की चेष्टा की गई है कि कैसे आइडियोलॉजी जो है वो कैसे दुनिया में जो परिवर्तन हुए हैं उसकी बात कैसे करती है प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल चेंज की बात कैसे करती है क्योंकि राज राजनीति का स्वरूप ही लगातार बदलता रहता है वो लगातार परिवर्तित होती रहती है इसलिए बहुत सारे दुनिया में ऐसे विचारधाराएं हैं जिन्होंने राजनीतिक बदलाव का समर्थन किया है और ये राजनीतिक चिंतन में राजनीतिक विचारधारा में बताया गया है कि बदलाव की दिशा क्या होगी उसकी गति क्या होगी या कौन कौन से साधन होंगे जो बदलाव में मददगार होंगे लि लिबरलिज्म ने इसी बदलाव की बात कही थी इंग्लैंड में जहाँ ये कहा गया कि कैसे बदलाव लाया जाएगा पूरी व्यवस्था कैसे बदलेगी और उसने ये माना कि ये जो बदलाव होगा ये शांतिपूर्ण ढंग से होगा और धीरे धीरे क्रमिक ढंग से होगा लेकिन मार्क्सिज्म फेमनिज़्म या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ग्रिड सोशलिज्म ये सब इस बात का कर समर्थन करते हैं कि जो कैपिटलिस्ट ऑर्डर है जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको बदल करके एक समाजवादी व्यवस्था कैसे लाई जाएगी अब मार्क्सिज्म एक रिवोल्यूशन में या कम्युनिज्म जो एक रेवोल्यूशन में बिलीव करता है कि कैसे क्रांति द्वारा इस पर कैसे परिवर्तन लाया जाएगा और एक रक्तपूर्ण क्रांति होगी तब जाकर परिवर्तन हो जाएगा लेकिन बाकी जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो इस बात का समर्थन करती है कि कैसे ये परिवर्तन बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संवैधानिक ढंग से लाया जाएगा उस तरह से गांधीज्म जो है गांधीवाद जो है वो भी इस बात का समर्थन करती है अपने आप पर बहुत ही शक्तिशाली विचारधारा है जो एक राजनीतिक परिवर्तन की बात करती है और कहती है कि कैसे नॉन वायलेंट पींस यानी अहिंसा के द्वारा कैसे लाया जाएगा उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि कैसे राजनीति का विकेंद्रीकरण किया जाए और कैसे आर्थिक सत्ता का भी विकेंद्रीकरण किया जाए कैसे ग्राम आ, जो इकोनॉमी है जो ग्राम के लेवल पर जो अर्थव्यवस्था है उसको तो कैसे बढ़ाया जाए और भारत का विकास कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कैसे ग्राम के लेवल पर गाँव के लेवल पर कैसे हो सकता है और आखिर में जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं उनमें इंटरनेशनल पीस एंड ऑर्डर अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था बनाने की बात ही की गई है बहुत सारे विचारधाराएं ऐसी हैं जिसमें ये कहा गया है कि देखिए राज्य को जो एकाधिकार है राज्य को कभी भी ऐसा मौका नहीं देना चाहिए कि राज्य जो है वो सबसे शक्तिशाली बन जाए या अकेला शक्तिशाली बन जाए क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो बाकी राज्यों की जो संप्रभुता है जो स्वतंत्रता है वो खतरे में पड़ जाएगी इसलिए ऐसा अवसर नहीं आने देना चाहिए जिसमें राज्य को एक अधिकार मिल जाए और वो अपना मनमाना करना लगे तो इसके लिए इंटरनेशनल लॉ और दूसरी चीज़ें जो हैं दूसरी विचारधाराएँ जो विचार हैं जो उसको नियंत्रित करेंगे उसको कंट्रोल करेंगी क्योंकि उनका यह कहना है पूरी जो फ्रेंच रिवल्यूशन जो हुआ था वो इसी बात पर हुआ था कि कैसे सारे देशों के साथ मिल करके आपस में पीसफुल को कैसे होगा और पूरा दुनिया पूरा विश्व कैसे भ्रातृत्व के भावना के साथ ब्रदरहुड के भावना के साथ कैसे रहेगा जब दुनिया पूरे दो हिस्सों में बढ़ गई नैटो और व्हाट्सएप एक्ट पर बन गई दो विचारधाराओं के बीच में बैठ गई तो कैसे कई लोगों ने मिल कर के एक नन अलाइनमेंट मूवमेंट एक गुट निरपेक्ष आंदोलन का सिद्धांत निकाला वो भी एक बहुत बड़ी विचारधारा थी जिसमें कहा गया कि जो लोग किसी गुट में शामिल नहीं होना चाहते वो कैसे इसमें आकर के शामिल हो सकते हैं इस मार्ग पर कैसे चल सकते हैं तो इन सारे स्लाइड्स में जो आपके सामने अभी प्रेजेंट किए गए इसमें मैंने ये बताने की चेष्टा किया है कि राजनीतिक विचारधारा का स्कोप क्या है कौन कौन सी बातें हैं व्यक्ति से लेकर के राज्य राज्य के व्यवहार उसके विदेश नीति उसके सारे कार्यक्रम वो कैसे राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत आते हैं और इस प्रकार राजनीतिक विचारधारा का क्षेत्र विचार आज कितना व्यापक हो गया कितना बढ़ गया है इसको ध्यान से देखिएगा और अपना नोट्स इसी हिसाब से बनाइएगा धन्यवाद